हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके? ठीक हो, बढ़िया हो, बस बढ़िया ही रहो। आज फिर एक नए दिन की शुरुआत, नए ब्लॉग की शुरुआत सनी पाजी ब्लॉग के साथ। बस आपको देखा, कल सिमरन की छुट्टी हो गई हॉस्पिटल से, वो अब घर आ चुकी है, एकदम ठीक ठाक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है, डॉक्टर कह रहे हैं कि वो घर पे ही ठीक हो जाएगा, हॉस्पिटल में रखने की कोई जरूरत नहीं है। वो एंटीबायोटिक से जो 4-5 दिन का कोर्स है वही चलेगा, वो खाए ठीक हो जाएगा। पर खाने को जो है वो एकदम लाइट खाना है, कुछ फालतू खाना नहीं है। तो बस अब मैं रेडी हो गया था, टाइम जो है 1:15 हो गई है और शाम को हमारा प्लान बन रहा है मेले में जाने का। यहाँ पे एक दुबई थीम के ऊपर मेला लगा हुआ है गुड़गांव लेदर वैली में, तो सब फ्रेंड्स का हमारा आज वहाँ का सीन है। तो शाम को 6 बजे का प्रोग्राम है। अब 1 बज गया, मुझे यहाँ पे साइड पे भी थोड़ा सा काम है, यहाँ से होके फिर ऑफिस जाऊँगा, 3-4 दिन पहुँचूँगा और वापस 6 बजे वापस आना है। तो मैंने फिर यही सोचा कि आज मैं वहाँ का प्लान कैंसिल ही करता हूँ, घर पर रुकूँगा, इसको शाम को ट्यूशन छोड़ के आऊँगा, है ना? ट्यूशन जाएगी शाम को ना तू? फिर उसके बाद फिर हम पार्क नहीं जाने, फिर हम मेले जाएंगे 6 बजे। 15 मिनट वहीं पे झूले झूला असली वाले मेले में, फिर हम मेले पे जाएंगे। मेले के बाद हम प्लान कर रहे हैं कि आज बैसाखी का दिन भी है और वहाँ से फिर सीजन साहब गुजारे रात को मथा टेक के आए, ठीक है ना? आज बैसाखी है, सबको विश कर दो बैसाखी की। हैप्पी बैसाखी। हाँ, वेरी गुड, हैप्पी बैसाखी, है ना? तो बाकी देखते हैं बाहर घर का क्या माहौल है। अब क्या करने में लगे हो, तैयार नहीं हो अभी आप? और खाने में क्या बनाएगा? क्योंकि अब तो ब्रेकफास्ट का टाइम है नहीं, ब्रेकफास्ट कर तो लिया है, मतलब वो लंच ही करके जाऊंगा ना एक ही बार, या आके करता हूँ मैं लंच, है ना? अभी तो लंच नहीं करता। सैंडविच खा लो, न्यूट्रेला सैंडविच खा लो। और दूसरे रूम का क्या हाल चल रहा है अभी बार का? ये देखो यहाँ पे हेयर ड्रायर से तैयार हो रहे हैं, क्यों भाई, है ना? और बाकी पापा अभी लंच कर रहे हैं, यहाँ बैठे हुए साथ में मोबाइल देख रहे हैं। थोड़ा की प्लान है, लोशन लगा रहे हो अभी? करना थोड़ा की प्लान है, बॉडी को सेट कर रही हूं, मस्त ऐसे करा करो। तुझे कार्य जा रहे हो किसे? मैं कार्य है, मैं किसे जाना है? ठीक है, क्योंकि शाम जाना, मैं तो जा रहा साइड पे होके आके फिर मैं जाऊँ। लगा लगाता मैं, लगा लेता मैं अपना, मैं नीरिया लगाता, मैं वैसलीन नहीं करता, मैं तो आप साइड जा रहे हैं, साइड पे होके आके लंच करके शामी मेले से जावांगे, ठीक है? बाकी दिखाते हैं आपको जो जो प्लान बनेगा। हाँ, बैसाखी मेले पे याद है बचपन में वो बैसाखी मेले लगते थे, तो अब तो वो कंसेप्ट सारे खत्म ही हो गए। अब तो मैं वही तो कह रहा कि वो कंसेप्ट अब खत्म हो चुके हैं, अब नए नए कंसेप्ट के मेले आ गए। क्यों? मस्त होते थे मेले, शिमला इतना मजा आता था, छोटी छोटी शॉपिंग हम करने जाते थे, 5 रुपए लेके जाते थे तब। नहीं नहीं, मेरी मम्मी हमको मतलब 20 रुपए, अरे 20 रुपए मेरी जवानी में, मैं अपने कॉलेज की बात बता रही हूँ। आपको नहीं मिलते थे? 40 साल पहले। तो? 40 साल पहले। अच्छा जी, मैं मम्मी और एक बार मेरे तेरी दादी मामी जी गए थे, हम लोग सेंटा क्रूज साइड लगा था, यार मजा आया था। चलो हम 20 रुपए लेके जाएंगे, हम 20 यार लेके जाएंगे, अब टाइम हुआ ना। नहीं, यहाँ पे 20 रुपए का सिर्फ मिल सकता, 20 रुपए लेके जाएंगे, 20 रुपए की फायदा नहीं है कोई। उस समय 20 रुपए में भी बड़ी बरकत होती थी, इतना कुछ करके भी 7-8 रुपए हम बचा लेते थे, कल कॉलेज लेके जाएंगे, डोसा खाएंगे, थोड़ा पर्स में रखेंगे, बड़ा मजा आता वापस आ जाए। हाँ, वो टाइम आ जाएगा, की वैल्यू फिर बढ़ जाएगी। अब नहीं आता, 20 हजार भी 2 लाख के बराबर होने वाले हैं थोड़े टाइम में। कितने में लेके जाएगी तू? जितने आप दोगे। मैं क्यों दूंगा, मैं नहीं देता। पहली बात मेले में इसको कुछ पसंद आएगा वो। हाँ, ये भी है, इनके तो वो है ना सारा गैट HMM, वो तो मेले में थोड़ा मिलेगा, क्यों भाई आजकल तो बच्चों के टेस्ट वही हो चुके हैं। मेरे को एक बात याद आ गई, हम जब पुराने टाइम के मेले में जाते थे ना, उसमें ना एक इतनी छोटी सी औरत बैठी होती, कसम से ये रियलिटी बता रही हूँ तुझे, वो ना उसके हाथ नहीं थे सिमरन, और पैर से ना ऐसे करके वो सुई में धागा, रोटी बेलना, मतलब हमने उससे पूछा कि आंटी अपने मम्मी लोग हम सब काम हाथ से अपना इससे करते हैं, और एक मेले में क्या होता था, आप एंटर होते थे ना, अलग अलग तरह के ना शीशे होते थे, मोटा पतला पतला, मतलब वो होता था असली मेला एंजॉयबल। अब तुम लोगों का पता क्या है, मुझे नहीं पता। अच्छा, एक कुआं होता था, उसमें ऐसे 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 वो मोटरसाइकिल चलाई जाती थी, उसका नाम था मौत का कुआं। पता नहीं अब तुम्हारे मेले में तो झूले झूले होता है कहीं कहीं, वहाँ पे करोलबाग में रामलीला में लगता है हर बार, मजा आता था मेलों में, वो होते थे असली मेले। सही है, कोई चूड़ियाँ खरीद रहा है, कोई बिंदिया खरीद रहा है, उन्हें मिल दी रियल लाइफ की बेटा, वो तो बस मैं अभी जस्ट निकला ही हूँ घर से, अब मैं जा रहा हूँ साइड पे, एक्चुअली एक लेबर का हमारा बंदा है वो गांव जा रहा है, तो उसको थोड़ी
उसका हिसाब किताब करना है, सैलरी देनी है उसको। कह रहा था भैया आज जो मैं कल जाना है गाँव में, चल मैं आ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो उसका हिसाब किताब करके आऊंगा, फिर घर आके खाना वाना खाऊंगा, एक दो घंटे आराम करूंगा। आज ऑफिस जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, एकदम आलस आलस टाइप, सुस्ती सुस्ती टाइप लग रहा था। तो सबसे फ्रेंड से बात हो गई थी, साढ़े छः तक मेरे पास आ जाएंगे, फिर हम लोग गुड़गांव में ही जाएंगे मेरे भी आपको जैसे बताया है। तो इन्जॉय करेंगे सबको, आपको साथ साथ इन्जॉयमेंट दिखाएंगे अपना मज़े में। टाइम 6:25 हो गए, मैं उसको लेने जा रहा हूँ, जल्दी रेडी हो जाओ, मैं बाहर ही बैठूंगा, फटाफट बाहर आ जाना ठीक है, क्योंकि 7 बजे सारे वहाँ पहुँच जाएंगे, हम लेट हो गए हैं। अंशा बार कुंडली लगाइयो, आइयो आ जा। तो टाइम हो गया भाई साहब 7:45, मैंने किमरन को ले लिया ट्यूशन से, अब फटाफट ये रेडी होगी, 5 मिनट से ऊपर नहीं लगाना किमर ठीक है, और फिर यहाँ से हम सीधा जाएंगे मेले में। पहले हाँ चेक बनाने के लिए 10 मिनट तो लगेगा ना? हाँ 10 मिनट ज्यादा नहीं लगाना, 10 मिनट 5 मिनट लगाना है सिर्फ आपने ठीक है, 10 मिनट लगेंगे मेरे को पता है। और बाकी इसके बाद फिर पहले क्या बीच में प्रोग्राम थोड़ा डामाडोल हो गया था क्योंकि बारिश बहुत आ रही थी, दिल्ली में बहुत बारिश हो रही है, गुड़गांव में ज्यादा बारिश नहीं है। अमित का मेरे को फोन आया कि यार हमारे वहाँ बहुत बारिश हो रही है, तो यहाँ गुड़गांव में बारिश का क्या हाल है, तो मेला कैंसिल कर देते हैं। मैं कहा, मैंने उसको वीडियो कॉल कर दिखाया, मैं कहा भाई वीडियो कॉल करके देख ले एक बार, कुछ भी बारिश नहीं है यहाँ पे, हल्की फुल्की मौसम बना, बूंदाबांदी हुई है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। तो अब अमित निकल गया है, अब या तो हम लोग जाएंगे मेले में, अगर मेले में कीचड़ हुआ तो फिर जाने का कोई फायदा नहीं है, वैसे बारिश इतनी ज्यादा हुई नहीं कीचड़ मिलेगा, तो मेले में जाके देखेंगे, अगर कीचड़ हुआ तो मेले कैंसिल कर देंगे, नहीं तो फिर हम जाएंगे एमबीएस मॉल, ये डिसाइड हुआ है अभी। हाँ प्ले एरिया, बच्चे तो प्ले एरिया में ही करेंगे ना, तो अब देखते हैं, अब एमबीएस मॉल या मेला, एमबीएस मॉल या मेला, दोनों में से कुछ ना कुछ चलेगा। हाँ तो आपको प्ले एरिया में लेके जाऊंगा ना किमा ठीक है, जल्दी जल्दी रेडी हो जाए ना फटाफट, फिर वहां से भी गुजार जाएंगे रात को ठीक है। हम बस मेले में आप पहुंच चुके हैं, अमित जो है वो अंदर है, शायद फोन उठाने में अंदर शोर बहुत होगा, ब्रह्मदीप 5 मिनट में आ रहा है, तो गाड़ी पार्किंग में लगा के चल चल के जा रहे हैं, आगे टिकट लेंगे, टिकट पता नहीं कितने की है। तो ये देख लो पूरा दुबई थीम पे बना है, अंदर जाके एक बार आपको प्रॉपर दिखाएंगे हम लोग। ले भाई टिकटें आ गई, हेलो तू भी आ गया, टिकटें भी आ गई, कमाल है, क्या टाइमिंग है ना, मानना पड़ेगा। चले फिर, वो तो झूले झूलने भी स्टार्ट कर दिए उसने, बड़ी जल्दी है उसको, मैं वेट तो कर रहा था झूलते, हाँ जल्दी ज्यादा थी, कह रहे कीचड़ बड़ा होगा। चलो हाँ भाई ये भी आ गई तो सबसे बड़ा है ना सरप्राइज, सबसे बड़ा क्यों, मैं कहा ये भी आ गई, ठीक हो गया आ गई, प्रोग्राम बनाना चाहिए, अब तो बनेंगे क्यों भाई। और भाई जो ठीक है, ये देखो भाई दुबई का एक्वेरियम, दुबई का एक्वेरियम देखो कितने बढ़िया बढ़िया है, देख रहे हो दुबई में ऐसे ही देखे थे ना हमने, ऊपर शार्क नहीं आ रही इस बार, है तब तो ऊपर शार्क भी आती थी हमारे, है भाई ये बात है, ये भी शार्क। एशिया का एक्वेरियम देखा है मैंने, सिंगापुर का एक्वेरियम देखा है मैंने, दुबई का देखा है, और मैंने थाईलैंड का देखा लास्ट, पर जो ये देखा है ना ये कहीं में देखा आज तक, नेक्स्ट लेवल एक्वेरियम भाई साहब, नेक्स्ट लेवल एकदम फर्स्ट क्लास एक्वेरियम, देखो भाई आप भी देखो मजे लो एक्वेरियम के, ट्रांसपेरेंट फिशेस है ना, ट्रांसपेरेंट फिश ही नहीं है, फिश ही नहीं है, नहीं नहीं उसमें फिश ही नहीं है, कमाल हो गया यार, ऐसे एक्वेरियम देख रहे हो तो यहाँ पे जरूर आना आप लोग, मजेदार वाले। तो आ गया अभी ब्रह्मदीप एक्वेरियम आ गया है ना, कमाल हो गया, फिश देखो कि भाई एक बात बता, दुबई में लंदन ब्रिज कहाँ से आ गया, मलेशिया का ट्विन टावर भी आ गया, इसके पीछे आईफिल टावर भी आ गया, ये गलती से ये कैसे आ गया, बिना वीजा हम सारी भाई साहब सारी कंट्री यही घूम लेंगे, 150 रुपए में खाली है ना, 150 रुपए में सारी कंट्री घूमेंगे आज मजे में है ना, आगे सबको घुमाते हैं फिर, वो साउथ इंडिया हाँ वो सब कुछ मिल रहा है, लेने आपको अबे वेट तो कर लेना हमारी झूले झूले से पहले, 40 मिनट से ऊपर हो गए, 40 मिनट खुराना तो एक घंटा नहीं आएगा, और अबे करोल बाग में अभी वो ठीक है तू मजा आया, हमारी वेट तो कर लेता झूले झूले से पहले,
भाई साहब मैं बैठ तो गया हूँ पर डर मेरे को बहुत लग रहा है। ओए डर लगेगा तो बचा लेगा ना, वो रोक लेगा, मैं बोला उसको। अब वो नहीं है, मैं क्या करूँ, मैंने बोल दिया रोक देगा भाई, मानूंगा तो चल रहा। भाई झूला झूला तो है, और क्या करूं बता, ये झूला नहीं डरता, तो ये कुछ नहीं कर रहा, डकार ले रहा है, ये डरता है। हाय किमा, आजो 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 आजो, वेरी गुड, आजा युवराज, वाओ झूला झूलने ना, तू करने क्या आया, तू चला के दिखा, तू चला के दिखा, करने क्या आया तू, भाई असली 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 दुबई है, दुबई में ऊंट होता है, दुबई में ऊंट होता है, दुबई में ऊंट होता है, ये डेजर्ट है, क्या कर रहे हो आप, ये बात भी है, खड़े अच्छी लगेगी, तुम मेरा अपना घूमो फिर, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, एक काम ऊँट पे बैठ जा, पहले भूल जाओ तुम मैरिड हो, ये उल्टी बात ही करेगा, मैं ओनली वन वुमन मैन हूं, बताया सारा कोई इज्जत ही नहीं है, मैं तो एक्सक्लेमेशन लगाने वाला था, देख लो कोई इज्जत ही नहीं है मेरी, सबको सच सच पता है। ऑलवेज लेट, कभी टाइम पे नहीं आना, अबे टाइम पे आ जाओ, टाइम 9 बज रहे हैं, 7 बजे टाइम था, मौसम अच्छा हो रहा है, मजा आया भाई, मजा आया।
चलो क्या कह रही है? हाँ ये भी ठीक है। हाँ चलो यूट्यूबर हमारे साथ है प्यारे पाजी का नाम की है रॉकी गिल पाजी रॉकी गिल पाजी ने हमको स्पेशल स्टेज पे बुलाया इतना बढ़िया गेस्टर दिया मजा आ गया मैं कहता जी आप मेरा परिवार और मैं चाहता हूँ कि आप जब यहाँ से जाओ तो आपके चेहरों पर स्माइल होनी चाहिए दो लाइनें आपके लिए बोल रहा हूँ जहाँ जहाँ दोनों से गया पर गया वो तेरा गुरु नहीं ऐसा कौन सा आशिक जो हुआ इश्क में चकना चूर नहीं मिलना हो दोबारा तो मेरा जनाजा भी दूर भी नहीं एक बार तो कब्र से उठ के मिलो चाहे मिलने का हो दिल चीर वाली जो कुछ चीज होती दिल चीर के बका दिंदा मैं चाहना रुक जाओ
अपना कितनी जिंदगी उतनी मत होके जियो ठीक है ना। अभी तो आजकल गा कर रहा है मैं तेनु समझाऊं आप गाना गाना है पर इसको पहले सुनो ये स्टेप चाची लेके जाएगी चलो भूत चाची है भूत को भूत नहीं काटता ना क्या बोल रहे मनप्रीत चाची लेके जा रही देखो चलो मनप्रीत डरोगे तो नहीं डरेगी ना फिर तेरे को थप्पड़ खाएगी मैं बता रहा हूँ जबरदस्ती तेरे वैसे आया हूँ मैं अरे भाई कहाँ से खुलता भूत बंगला आ जा आ गया वो देख चला आप आगे डर लगे आप चल 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 आप नहीं डरे पीछे हो चल हम क्या करें कह रहा हम क्या करें वे बच्चे को बट रही हो ज्यादा ये बंदा है नकली ये पिटपिटा जाएगा मेरे से बता रहा हूँ मैं कह रहा हूँ पिटपिटा जाएगा फालतू में पंगा मत लियो चल चल तू आई क्यों बट रो के आइए ना नहीं जाना यहाँ से निकलेगा देखियो अभी अरे कुछ नहीं है ना सिमरन वो भी आएगा देखियो नहीं ऊपर जाएगा पता है अबे मेरे को नहीं जाना मेरे को जाना है जाना अब नहीं जाना डरी क्यों तू ये बता हैं मम्मा दीदी प्राइस दे यहाँ से लाइन से पीछे दे कोई बड़ा नंबर लाना ही तुम लोगों ने भैया बाहर चली गई यार भैया बॉल बाहर चली गई यार ग्यारह पे क्या है नॉट क्वालिफाइड चल जा एक एक बारी मिलेगी बस बारह पे क्या मिलेगा भाई यार किमरन गोल्डन जीते हो आप वेरी गुड स्लोप ही सारी एक तरफ बनाई हुई है ऐसा ही है वो जाइए एक फिर ही है तभी तो जानी नहीं
अब 16 पे कुछ आई नहीं दिखाना। 300 रुपए की कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट दिखाना कैसा है भाई। 300 रुपए की कोल्ड ड्रिंक अभी पी है, इतनी महंगी सोच, बड़ी महंगी भाई, 5 स्टार की। क्या एंजॉय करने के बाद अब लोग हम लोग मिले से निकले हैं, अब हम खाना खाने जा रहे हैं। टाइम जो है 11:15 हो गए, बच्चे सारे मेरी गली। बच्चे एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया था बच्चों ने। आप बच्चे देखो अपना कार्टून भी देख रहे हैं इस पे, है ना, मजा आ रहा है। पेपा पिग लगेगा, दीपनूर को पेपा पिग। हाँ, इसके बाद पेपा पिग लगेगा, पर मार्केट 5 मिनट में आने वाली है, अभी इसको बंद करने वाले हम 2 मिनट में। ठीक है, उसको लगा दो पेपा, ठीक है ना, वो छोटी है ना, भी लगा दो, लगा दो पेपा पिग। ऑर्डर क्या किया भाई, ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर किया है 2 दाल मखनी, पनीर बटर मसाला। देखो भाई साहब, लोग बोलेंगे कि अभी हॉस्पिटल में छुट्टी है, ठीक हो गया ये, फिर बाहर का खाना शुरू कर दिया, डिस्चार्ज हुआ मतलब। तो हम, मैं आपको बता दूं, सिमरन के लिए स्पेशल बॉइल दाल और चावल। तो हम भाई साहब सब सेहत का पूरा ख्याल रखते हैं, क्यों भाई। और ऐसे में घर पे खाना बना के आई हूँ, बट अब बहुत लेट हो गया इसलिए खा रही हूं। तो खा रही है, पर हमने बहुत लाइट मंगवाया, कोई ऑयल नहीं है, कोई मसाले नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तड़का ही नहीं है, एकदम बॉइल दाल, क्यों भाई। तो भाई साहब टाइम हो गया रात के 12:45, चले फिर अभी क्या और रुकना है, कॉफी वॉफी पीनी है, दिल तो रुकने कर रहा है, पर टाइम। चलो 8 महीने बाद मिले हैं, पर बड़ा बढ़िया एंजॉय हुआ है। बाय बाय, मिलेंगे आज, सारा फैमिली गेट टुगेदर। हाँ, फैमिली गेट टुगेदर हुआ। बाय बाय। साथ जा रही है, मेरे को पता ही नहीं था। चलो भाई, चलो चलो, बाय बाय दिनूर, दिनूर बाय, बच्चों बाय, बाय बाय, बाय कम, बाय बाय। चलो बाय 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 बाय, देखेंगे अभी आगे, बाय बाय, चलो बाय बाय। तो भाई साहब 8-9 महीने के बाद ऐसा पूरी फैमिली से एंजॉय करके ना, इतना मजा आया, इतना बढ़िया लगा, क्यों भाई, बहुत एंजॉय किया तुमने, मजा किया। बाकी सबको आज मिले हो, पर झूले झूल के और बाहर खाना खा के इतना बढ़िया लगा, इतना एंजॉयमेंट हुआ। थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली, 10-10 रुपए वाली स्ट्रीट शॉपिंग मेले में, नहीं बाकी बहुत सही एंजॉय हुआ, बहुत मजा आया। टाइम जो है अभी देखो रात के 1:10 हो गए हैं, अब हम घर जा रहे हैं, अब तो बस ब्लॉग एडिट करके मैं सो जाऊंगा। बाकी आज के ब्लॉग में आपने देखा कि सुबह मैं साइड पे गया था, इसको ट्यूशन लेके गए, फिर मेले पे गए घूमने फिरने, वो थोड़ा बहुत घर का था, यही था। तो ऐसे ही अब छोटे छोटे अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाते रहेंगे, अब क्या आशीर्वाद रहा, आपका प्यार रहा। तो बाकी इस ब्लॉग को बस अब यही पेंट करते हैं, कल फिर मिलेंगे आपको नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। हाँ, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलना। बाकी कल फिर मिलते हैं आपको, बाय बाय, गुड नाइट, बाय, गुड नाइट। बोल पूरा बोला करो कि मैम ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट, बाय बाय, गुड नाइट। मेहनत आज खुद के पैरों पे जगह बना ली मैंने यहाँ पे दिल में गैरों के, मंजिल से भी बड़ी ये चीज मेरी जीत, आपके मुस्कुराते चेहरों में चेहरा